हमारा YouTube चैनल है सिंह CSS एंड PMS और इस वीडियो में हम 21 मई से 31 मई 2023 तक के इम्पोर्टेंट नेशनल और वर्ल्ड करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले दो वीडियोस में हमने 1 मई से 20 मई तक के इम्पोर्टेंट नेशनल और वर्ल्ड करंट अफेयर्स को डिस्कस किया था, तो आज की वीडियो में हम शुरू करते हैं 21 मई से 31 मई 2023 तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले है कि मार्टीज रेवरेंस डे यानी कि योम तकरीम शहदाए पाकिस्तान वॉज सेलिब्रेटेड ऑन, तो कब सेलिब्रेट किया गया था, रिसेंटली 25 मई 2023 को। ये क्यों किया गया था सेलिब्रेट, टू पे ट्रिब्यूट टू सेल्फलेस सेक्रीफाइसेस ऑफ मार्टीज ऑफ पाकिस्तान। तो योम तकरीम शहदाए पाकिस्तान 25 मई 2023 को सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट है रिसेंटली 28 मई को जो है वो टर्की के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, जिन्हें एक बार फिर से विन किया है तैयब एर्दोगान ने और ये टर्की के थर्ड टर्म प्रेसिडेंट बन चुके हैं। नेक्स्ट है चाइना लॉन्च्ड डैश मिशन टू चाइनीज स्पेस स्टेशन। तो चाइना ने रिसेंटली एक मिशन जो है वो चाइनीज स्पेस स्टेशन में लॉन्च किया है जिसका नाम है शेंजाओ 16। नेशनल असेंबली पास्ड मैटरनिटी एंड पैटर्निटी बिल अकॉर्डिंग टू विच मदर कैन गेट अ लीव फॉर। तो रिसेंटली आपने सुना होगा कि एक प्रोग्रेसिव बिल जो है वो नेशनल असेंबली ने पास किया है जिसका नाम है मैटरनिटी एंड पैटर्निटी बिल, जिसके मुताबिक चाइल्ड बर्थ पर माँ जो है वो 6 माह की छुट्टियाँ ले सकती है जबकि फादर जो है वो चाइल्ड बर्थ पर 30 दिन की छुट्टी ले सकता है। पाकिस्तान फर्स्ट ट्रांसजेंडर वेमेन टू बी अपॉइंटेड एट अ सीनियर गवर्नमेंट रोल। तो पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर वेमेन जो कि अपॉइंट हुई हैं एट सीनियर गवर्नमेंट रोल, उनका नाम है रीमा शरीफ और ये अपॉइंट हुई हैं डिप्टी डायरेक्टर ऑफ ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेंटर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स। अफगानिस्तान न्यू तालिबान अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर, तो अफगानिस्तान के रिसेंटली तालिबान ने जो नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए हैं उनका नाम है मौलवी अब्दुल कबीर। कंट्रीज विच बॉयकॉटेड G20 मीटिंग हेल्ड बाय इंडिया इन इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो आपको पता है कि इस बार G20 का जो मीटिंग है समिट है वो होस्ट करेगा इंडिया और इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो कश्मीर के एरिया में यानी जो कि एक रीजन है, एक कन्फ्लिक्टेड रीजन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसमें G20 मीटिंग जो है हेल्ड किए करेगा जिसके नतीजे में इजिप्ट चाइना सऊदी अरेबिया टर्की और इंडोनेशिया ने इस मीटिंग का बायकॉट किया है। नेक्स्ट है पाकिस्तान रैंकिंग इन द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज टू वर्क। तो मोस्ट डेंजरस कंट्रीज जो कि वर्क काम करने के हवाले से हमें पाकिस्तान की रैंकिंग रही है 6th और जबकि फर्स्ट रैंकिंग पे जो मुल्क रहा है उसका नाम है क्रोशिया। नेक्स्ट है न्यू अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ PTA, तो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के रिसेंटली एक नए चेयरमैन अपॉइंट हुए जिनका नाम है मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान। According to National Accounts Committee, economy of Pakistan shrank from 6.1% to dash under PDM government watch. तो National Accounts Committee की reports के मुताबिक PDM government की watch के अंदर पाकिस्तान की जो economy है वो down गई है, पहले 6.1% थी और 0.3% तक ये shrank कर गई है। नेक्स्ट है हमारे पास हैप्पीएस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड। तो हैप्पीएस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड जो है वो है कुवैत। पाकिस्तान एंड ईरान इनॉग्रेटेड गैप टू पोलान पावर ट्रांसमिशन लाइन अंडर विच ईरान विल सप्लाई डैश मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डेली टू ग्वादर। तो इस गैप पोलान पावर ट्रांसमिशन लाइन के तह अंडर जो है वो ईरान जो है पाकिस्तान को डेली 100 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सप्लाई करेगा। In May 2023, Pakistan and China extended CPAC to which country? तो पाकिस्तान और चाइना ने मई 2023 में जो CPAC है उसे अफगानिस्तान तक एक्सटेंड करने के बारे में अनाउंस किया है। वेल्दीएस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड जो है वो वेल्दीएस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2023, उसमें जो वेल्दीएस्ट कंट्री सबसे दौलतमंद शहर है उसमें नंबर 1 रैंकिंग पे रहा है न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 31 मई को
और जो अभी रिसेंटली 31 मई 2023 का जो वर्ल्ड नॉट टोबैको डे था उसका थीम था ग्रो फूड नॉट टोबैको। तो ये थीम था कि ग्रो फूड नॉट टोबैको। तो ये थे हमारे 21 मई तक के से लेकर 31 मई तक के इम्पोर्टेंट वर्ल्ड और नेशनल करंट अफेयर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मंथ के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।